शिव पुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। सौनक जी कहते हैं, महाप्राज व्यास शिष्य सूत जी आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूतोवाच सूत जी कहते हैं, मुनि सौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुला करके दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठ करके बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं और प्रयत्नपूर्वक देश में गांव में आई बगल पास पड़ोस में स्थान स्थान पर यह संदेश भेजें कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनाने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से दूर दूर तक वंचित हो रहे हैं। कितने ही स्त्री आज जो है भगवान शंकर की कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए देश देश में जो भगवान के शिव के भक्त हैं तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हैं, अर्थात सुनने के लिए उत्सुक हैं, जिज्ञासु हैं, उन सबको आदर पूर्वक बुलवाना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में तथा तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनाने के लिए उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए और सुनने वालों के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए उत्तम। इस प्रकार से स्थान का निर्माण करना चाहिए ताकि वहाँ सब लोग आसानी से बैठ सकें। केले के खम्भों से सुशोभित एक पूजा कथा मंडप तैयार करना चाहिए। उसे सब ओर से फल पुष्पों से आग से तथा सुंदर चंदोए से अलंकृत करें और चारों ध्वजा पताका लगा करके तरह तरह के सामानों से सजा करके सुंदर शोभा संपन्न कर दें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करने चाहिए। वही सब जो है इस तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए। कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो और मुने इस नियमों को जो है ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान श्री विष्णु और ब्रह्मा और महाप्रलय काल में महारुद्र स्वरूप शिव पुराण का जो अनुसरण करता है और श्रोताओं को इस प्रकार से यथायोग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जो है ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों महाशक्तियों के संयुक्त मिलन से महाशिव पुराण का श्रवण किया जा सके। इस प्रकार से जो है अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखनी चाहिए जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली होती है। उस प्राण वेता विद्वान निवक्ता के प्रति सत्कुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण ही बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु माना जा गया है। पुराण वेता पवित्र दक्ष शांत ईर्ष्या पर विजय पाने वाला साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहें। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीत से बांटनी चाहिए। मध्याकाल में 2 घड़ी तक तथा इस प्रकार से कथा करनी चाहिए जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर के लोग जो है मलमूत्र का त्याग कर सकें। बीच में विश्राम होना चाहिए। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पहले व्रत करने के लिए वक्ताओं को छौर करना चाहिए, अर्थात मुंडन करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्नपूर्वक प्रातःकाल का सारा नित्यकर्म संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित
करना चाहिए, वह भी सब प्रकार के संशयों से निवृत्त करने में समर्थ हो और लोगों को समझाने में कुशल हो तथा में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें तथा कि स्वामी भगवान शिव की तथा विशेषतः शिवपुराण की पुस्तक को भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित हो आदर पूर्वक शिवपुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों से भटक रहे हैं, काम आदिशाह विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्ति रखते हों और पाखंड पूर्ण बातें कहते हों, वह पुण्य के भागी नहीं होते हैं। जो लौकिक चिंता तथा धन गृह एवं पुत्र आदि की चिंताओं को छोड़कर के कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते हैं और मौन पवित्र एवं उद्देश्य शून्य होते हैं, वह ही पुण्य के भागी होते हैं। सूतोवाचु जी कहते हैं कि शौनक अब शिवपुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक ही श्रेष्ठ कथा को सुनाने वाला और सुनने वाला, इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की कोई विघ्न बाधा उत्पन्न ना हो और ताकि उसका फल जो है उत्तम प्राप्त हो सके, इसके लिए लोग जो है दीक्षा से रहित हैं उनका इस प्रकार से कथा श्रवण में अधिकार नहीं हो पाता है। अतः मुनि कथा सुनाने और सुनने वाले दोनों की इच्छा प्रबल होनी चाहिए, ताकि पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियमों से कथा सुने उनको ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिसमें शक्ति हो वह पुराण की समाप्ति का तक उपवास करके शुद्धतापूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। इस कथा का व्रत करने वाले पुरुषों को प्रतिदिन एक ही बार हविष्यान्न करना चाहिए, अर्थात भोजन करना चाहिए, जिसे जो है ताकि कोई शारीरिक बाधा ना पहुँच सके, इसलिए जो है एक बार भोजन किया जाता है। जिस प्रकार से कथा श्रवण का नियम सुखपूर्वक सध सके वैसे ही करना चाहिए। गरिष्ठ भोजन अर्थात अन्न दाल जला अन्न सेम मसूर भाव दूषित तथा दासी अन्न को खा करके कथा बीते पुरुष कभी कथा को न सुने। जिसने कथा का व्रत ले रखा है वह पुरुष जो है प्याज लहसुन हींग गाजर मादक वस्तु तथा आमिष कहीं जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाला पुरुष काम क्रोध आदि विकारों को ब्राह्मणों की निंदा को तथा पतिव्रता और साध संतों की निंदा को भी त्याग दे। कथा व्रति पुरुष प्रतिदिन सत्य सोच दया मौन सरलता विनय तथा हार्दिक उदारता इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे। श्रोता निष्काम हो या सकाम वह नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम पुरुष अपनी अभीष्ट कामना को प्राप्त करता है और निष्काम पुरुष मोक्ष पा लेता है। दरिद्र क्षय का रोगी पापी भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथा को सुने। काकबंध्या आदि जो सात प्रकार की दुष्टा स्त्रियां हैं वह तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो वह इन सभी को शिवपुराण की उत्तम कथा सुननी चाहिए। मुनि स्त्री हो या पुरुष सबको यत्नपूर्वक जो है विधि के विधान से शिवपुराण की यह उत्तम कथा सुननी चाहिए। महर्षि इस तरह जो है शिवपुराण की कथा के पाठ में श्रवण संबंधी उपयोगों की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति योग नेत्रपूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधिपूर्वक वक्ता को भी पूजन करना आवश्यक है। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर व्यवस्था बनाएं और इस प्रकार से उसे बांधने के लिए एक दृढ़ एवं दिव्य डोरी लगाएं, फिर उसका विधिवत पूजन करें। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार से महान उत्सव के साथ पुस्तक
और वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पांडित्य का भी उसी के अनुसार जो है धन आदि के द्वारा उसको भी पूजा में शामिल करें और उसकी भी पूजा करें। उससे कुछ भी कम सत्कार उसका नहीं होना चाहिए। वहाँ आए हुए ब्राह्मणों को अन्न धन आदि का दान करें, साथ ही गीत वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा महान शोर जाए जाए। मुने यदि श्रोता विरक्त हो तथा उसके लिए कथा समाप्ति के दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी ने प्रति भगवान शिव से कहा था। इस प्रकार से यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को उस समय श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध हविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। मुने रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करना चाहिए अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्री में ही है। इस प्रकार से शिव के पंचाक्षर मूल मंत्र से होम करना चाहिए। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथा शक्ति हवनीय हविष्य को ब्राह्मण को दान करें। न्यूनता अर्थात न्यूनातिरिक्त रूपा दोष को शांति के लिए भक्ति पूर्वक जो है शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, श्रवण करें। इससे जो है सब कुछ सफल हो जाता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में इससे बढ़कर के कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत को पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। उन्हें यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाएं और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष उसी के आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ाएं। हितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दें। उत्तम बुद्धि वाला श्रोता इस प्रकार भगवान शिव के संतोष के लिए पुस्तक का दान करे। शौनक इस प्राण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर के पुरुष भवबंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने वाले श्रोतागण और वक्तागण श्री संबंध स्त्री माता लक्ष्मी जी की कृपा से धनदान से पूर्ण रहते हैं। स्त्री पुरुष बाल बच्चों सहित वह अंततः सुख को भोगते हैं। श्री संबंध से उपरांत संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। मुने शिव पुराण का वह सारा महात्म्य संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है। मैंने तुम्हें इस कथा को सुनाया, अब और क्या सुनना चाहते हैं? श्रीमान शिव प्राण समस्त प्राणों के हाल का तिलक माना गया है, अर्थात मस्तक के का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, रमणीय गौरव को निवारण करने वाला है। जो सदाशिव भगवान का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल हो जाता है। वह निश्चय ही संसार सागर से पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंद में स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर भासमान है तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद घन रूप परम शिष्य शिव की मैं प्रण लेता हूँ। अध्याय 6-7।